हम लोगों का प्रश्न है 264 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 264 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 264 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 4 है और 4 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। यहाँ पर तो 6 है, तो यह 6 भी इस 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि द्वितीयाई 6 होता है। इसी तरह से यह भी 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 132 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 13 है, तो दोस्तों 2 के पहाड़ा में 13 तो नहीं आता है लेकिन 12 आता है। तो दोस्तों यह 13 जो है यह 12 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे इस 13 में से इधर एक भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 13 था लेकिन जब 13 में से इधर एक चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 ना हो गया। तो यह 12 इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छके 12 होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए इस 2 के आगे आकर एक लग गया है, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यह भी 12 इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छके 12 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 66 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई क्योंकि यहाँ पर 6 है और 6 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो पहले 6 है, 6 इस 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि द्वितीयाई 6 होता है। इसी तरह से यह भी 6 3 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 33 आ गया, तो 33 को 3 से कटा देंगे क्योंकि यह 3 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो पहले 3 है, तो यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा। इसी तरह से यह भी 3 एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो दोस्तों 11 आ गया, तो 11 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 11 को 11 से कटा देंगे तो यही एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 264 बराबर, देखिए दोस्तों 264 जो यह संख्या है, 1, 2, 3 बार सिर्फ 2 से कटा है और एक बार 3 से कटा है और एक बार 11 से कटा है। तो अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 11। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही क्या हो गया, इस 264 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजा कर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 264 है, तो 264 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 हम देखेंगे कि कितनी बड़ा है, 1, 2, 3 2 जो है ना दोस्तों, यह 3 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 की घात 3 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 सिर्फ एक बार है, इसलिए 3 को एक बार इसी तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर 11 भी एक बार है, तो 11 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 264 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।